इंदौर के शासकीय और निजी अस्पतालों में बेड के नाम पर अवैध वसूली जारी है, लेकिन इंदौर में ऐसे कई अस्पताल हैं जहां बेड खाली है लेकिन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, और जो मरीज भर्ती भी हैं तो उन्हें भगवान भरोसे छोड़ा जा रहा है। ऐसा एक वीडियो इंडेक्स अस्पताल का वायरल हुआ है जिसमें अस्पताल में बेड तो खाली है लेकिन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। इंदौर शहर के ज्यादातर अस्पताल मौत के सौदागर बन चुके हैं, जिसमें एक जागरूक व्यक्ति ने इंडेक्स अस्पताल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए वसूलने के बाद भी मरीजों का किस तरह इलाज किया जा रहा है। मरीजों को भर्ती करने के बाद घंटों तक उनकी सुध लेने के लिए अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ तक मौजूद नहीं है। हालांकि कोई भी मरीज को भर्ती करने के नाम पर अस्पताल में बेड खाली नहीं होने की बात कही जा रही है, लेकिन आप स्वयं देख सकते हैं कि अस्पताल में कितने बेड खाली है। आप खुद सुनिए इंडेक्स अस्पताल का सच। कौन से अस्पताल में खड़ा हो आप? ये कौन सा? इंडेक्स कहाँ आता है? ये इंडेक्स देवगुड़ाड़ा के पास में है। आपका पेशेंट कब एडमिट हुआ यहाँ पर? यहाँ 7 बजे से एडमिट, अभी तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया उसको। 7 बजे से एडमिट करा है, दिक्कत क्या आ रही है उसको? दिक्कत ये है कि उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, तो हमने बोल दिया हम जाएंगे। हाँ, तो बोले एडमिट कराओ, हम बाकी इलाज हम करेंगे। तो आपने एडमिट कर दिया? एडमिट कर दिया 7 बजे। कितने पैसे लगे आपके? भैया 15 मांगे थे, मैंने 5 इसलिए दिए कि अगर ये इलाज करे नहीं करे तो अपने हाथ में देखा। ऑक्सीजन लगा हुआ पेशेंट को? कुछ भी नहीं लगाया अभी तक, कोई चेक कर बात करने के लिए तैयार नहीं, भगा रहे, बोले भग जाओ। आपका पेशेंट कहाँ पर, मेरे को बताएंगे आप? चलो देखिए, ये हालत है इंडेक्स की। ये भैया के पेशेंट 7 बजे से एडमिट है और इनका कहना है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, मेरे पेशेंट को किसी ने देखा नहीं है। 15,000 रुपये जमा करने का बोला था, करेंगे अगर भी कुछ हुआ कल से। 15,000 रुपये जमा करने का बोला था और इन्होंने 5,000 रुपये जमा करे हैं, और हॉस्पिटल वालों का कहना है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और इन्होंने बोला कि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर देंगे, उसके बाद भी पेशेंट का इलाज नहीं चल रहा है। कौन सा पेशेंट है आपका? 4 घंटे हो गए, कोई अभी तक चेक करने तक नहीं है। ये पेशेंट है भाऊ जी, इनको जानते हैं आप? कौन ही है? आपका लड़का है ये आपके अस्पताल लेकर आया है? 7 बजे से। आपका इलाज स्टार्ट हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ। कोई नर्सिंग स्टाफ, कोई डॉक्टर आपको देखने आया? कोई भी नहीं आया। नहीं आया। 12 बज रहे हैं रात। ठीक है, 7 बजे। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? कहना चाहेंगे, बोलिए। अगर कुछ भी हुआ हमारे पेशेंट को तो हम जिम्मेदार हैं इस हॉस्पिटल। ठीक है, सुन लिया आप लोगों ने। अगर इन भाऊजी को अगर कुछ भी होता है तो ये पेशेंट का जिम्मेदार ये हॉस्पिटल है और ये गवर्नमेंट है। फिलहाल देखना होगा कि संकटकाल में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले अस्पताल संचालकों के खिलाफ प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।